aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet yolunda. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi? Laftan anlamaz. चलो कोर्ट मार्शल के लिए रेडी हो जाओ. भाई मुझे अभी याद आया कि एक अर्जेंट काम पेंडिंग है, तो मेरी तरफ से डैड को हाई कर देना. ओके, इधर आओ. यहाँ छोटे मियां, आप कहीं नहीं जा सकते. भाई मैं आपसे छोटा हूँ, डैड हमें जिंदा गाड़ देंगे यार. इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, वो कोई खूंखार इंसान नहीं है, वो हमें खाने वाले नहीं, बस लफ्जों से मारेंगे. मुझे पता है भाई, लेकिन ये प्रेस वाले, पुलिस वाले, हमारे घर वाले, हर कोई हमारी बैंड बजा रहा है. इतना क्यों डर रहे हो? वो हमारे डैड है दोरोक, उनकी बातें हमें दर्द देंगी लेकिन मार नहीं डालेंगे. अब चलो भाई सुनो ना. हाँ? मुझे बचा लेना. ओवर एक्टिंग करना बंद करो. मुझे खुशी है कि उन्होंने कंप्लेन वापस ले ली और सारा मामला कोर्ट के बाहर ही निपट गया, क्योंकि उसे पता था गलती उसकी है और फाइनली उसके छोटे से भेजे में बात घुस गई. गलती किसकी थी इस बात का कोई मतलब है? हाँ, क्या मैंने तुम दोनों को बचपन से यही सिखाया है, हाथापाई करने से कोई मामला ठीक होता है क्या? कोई भी नहीं. ठीक है डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ, दुर्ग की कोई गलती नहीं थी, मैंने गुस्से में अपना आपा खो दिया, माफ कर दीजिए. मेरी गलती कैसे नहीं थी डैड, मैं तो गुस्से से उबल रहा था. अगर भाई की गलती है तो मेरी भी गलती है. मुझे और गुस्सा मत दिलाओ दुर्ग, एक बात सुन लो, ये तुम दोनों की पहली और आखिरी गलती है. जी हाँ, फिर से ऐसा नहीं होगा. एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, अमीर भी हो, ऐसे में लोग तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ लिखते ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ इस बार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि दादी जान वो सिर्फ फेक न्यूज़ नहीं थी, असल में बात कुछ और भी थी. लेकिन हमें वो अपने तक ही रखनी चाहिए, है ना दोरुक? बहुत हुआ, मुझसे वादा करो आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा, चाहे तुम्हारी गलती ना हो फिर भी. मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, पक्का. दोरुक, अब भाई ने प्रॉमिस किया या मैंने किया, बात तो एक ही है. मेरी बच्ची. दीदी को मेरा हेलो कहना, अगर हो सका तो पक्का पक्का आऊंगी मैं उनके शादी में. आप उन्हें मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना और मेरी तरफ से डांस भी करना उनके साथ, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारे शादी में डांस करने के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखने वाली हूँ. मैं बस अपनी शहजादी के शादी के सपने देखती हूँ. तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, तुम्हारे शादी में मैं तो अनारकली की तरह नाचने वाली हूँ. मैं फिर से एक बार गलत शादी में नहीं पड़ना चाहती हूँ. हम लोग दुल्हन की मिठाई में से एक पीस उठा लेंगे और तुम्हें खिला देंगे, तो तुम भी जल्दी ही दुल्हन बनोगी. हाँ हाँ आंटी, जरूर ले आना. अभी प्लान्स बनाना बंद करो, वो टैक्सी ड्राइवर कब से वेट कर रहा है. अब जल्दी जाइए और अपना ख्याल रखना, अपना हेयर स्टाइल खराब मत करना. चलो चलो, लेट हो रहा है. हाँ चलो चलो. देखो, अपना अपना ख्याल रखना, घर पर ही रहना, और तुम जानती हो ना, मैं चाहे कितनी भी दूर रहूं, मुझे हर बात पता चल ही जाती है, नजरें तुम पर हैं. मामा, मैं घर छोड़कर वैसे भी कहाँ जाऊंगी. चलिए आप जाइए, ठीक है? बाय बाय. मैं तो चाहती हूँ ये शादी ना कोई परियों की शादी की तरह 40 दिन तक चले, ताकि मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए. रोज रोज मम्मा से झूठ बोलकर ना मैं पागल हो रही हूँ. हाँ यार, बात तो तुम्हारी ही बिल्कुल सच है. तुम्हें वाकई में आजकल दो किरदार निभाने पड़ रहे हैं, घर पर कुछ और ऑफिस में कुछ और गलती से दूसरा कैरेक्टर बाहर ना लाने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बहुत डिफिकल्ट है. कितनी तकलीफ. लेकिन फ्रेंड्स, मैंने असली सरप्राइज तो अभी दिया ही नहीं है.
मैं आज मुराद के साथ लंच करने गई थी। हाँ, और याद है मैंने कहा था कि वो ऊपर गए थे दिदम का हाथ पकड़कर, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ओह, क्या बात कर रही हो, ये सारी बातें अब तक मत तुम एक्सप्लेन की है। तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ हयात, मेरे फेस को ज्यादा सीरियसली मत लो प्लीज। मुझे कुछ तो बताओ, इसके साथ हुआ क्या है? इसके डैड आज ऑफिस आए थे, वो चाहते हैं इपेक अपनी कार बेच दे और उन पैसों से वो अपने बेटे के लिए शॉप खोलना चाहते हैं। इसके पास इतने सारे पैसे है ही नहीं, अपने पैसे से क्यों नहीं करता वो? कब से देखी जा रही हूँ कि ये अपने भाई के लिए कब से पैसे भेज रही है अपनी थोड़ी सी सैलरी से। बस करो तुम दोनों, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा क्या? मैंने इंटरनेट पे ऐड डाल दिया है, मैं उन्हें वैसे भी नाउम्मीद नहीं कर सकती। मैं आज थोड़ा थक गई हूँ तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कोई नहीं, तुम दोनों बातें करो। इसी बात की वजह से नाराज है ना वो? क्या करे, जो इंसान इतने सालों में नहीं बदला वो अब क्या बदलेगा? वो आदमी ऐसे बात कर रहा था जैसे इपेक उसकी कोई नहीं है, उसकी एक ही औलाद है और वो है उसका जवान बेटा। किस तरह का इंसान है जो अपने बच्चों में फर्क करता है? वो कार इसके लिए इसके बच्चे जैसी है, इसके बच्चे जैसी। असलों कुछ करते हैं ना। मैं समझ सकती हूँ हयात, लेकिन हम अभी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं जानती हूँ, पर इपेक भी तो हमारी बहन जैसी है ना, मुसीबत में हमेशा मदद की है हमारी, और अब जब खुद तकलीफ में तो छुपा रही है। कुछ करना होगा हमें। तुम हमारे साथ खाना खाओगे ना? नहीं डैड, वो मुझे कुछ जरूरी काम है। मुराद, मैंने जो तुम्हें अभी डांटा उसके लिए अगर तुम नाराज नहीं, नहीं, हो तो बिल्कुल नहीं। आप वाकई सही थे। तो तुम यहाँ से देरिया की वजह से जा रहे हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। जाहिर है मैं तो नहीं भाग रहा। बेटा, हम एक परिवार हैं। मैं नहीं चाहता कि इस घर में किसी का भी दिल दुखे। फिक्र ना करो डैड, मैं सब संभालूंगा, डोंट वरी। और वो कैसे, तुम जाके देरिया से माफी मांगोगे? नहीं डैड, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो माफी किस बात की? पर आप टेंशन मत लेना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, अब चलता हूं। दादी जान, फिर से कैंडी देंगी और बातें उगलवाएंगी और मैं उगलता चला जाऊंगा। उस लड़की का अफेयर निकला ना? आ, मानना पड़ेगा, आप कुछ भी भूलती नहीं है दादी जान। बिल्कुल, मैं समझ गई दोरुक। नहीं तो तुम्हारा भाई ऐसा कभी नहीं करता। उस दीदम का उस लड़की से चक्कर है ना? जो आप सोच रही है वैसा नहीं है दादी। प्रॉब्लम दीदम की वजह से हुआ, मगर वैसा वाला नहीं। उसकी पहले ही मंगनी हो चुकी है। तो क्या शादीशुदा भी है? आपका इमेजिनेशन कहां पहुंच जाता है दादी जान, आपकी दोनों ही बातें गलत है। ये सब हमारी कंपनी की एक लड़की को छेड़ने की वजह से हुआ, इसीलिए भाई को इतना गुस्सा आया था। तो वो लड़की आखिर है कौन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अंदर चलें? हाँ हाँ चलिए।
चलो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जेंटलमैन बनने की। ओ रियली? फिर तो मैं ही जाती हूँ। तुमने अपनी पैकिंग कर ली? पैकिंग किस लिए करूं? हम कल जा जो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अजमेर काम से। लेकिन चाला ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि उसे पता ही नहीं था तुम भी आओगी। अचानक प्लान कैसे बदला? गोल्डन रूल है, जो सही लगे वही करो। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। तो आपकी कॉफी अंदर भिजवा दूं मैं? कोई जल्दी नहीं है चाला डार्लिंग, आराम से भेज देना। आपका आज का कैलेंडर बता देती हूँ। आराम से बता देना। क्या तुमने वो सुना? मुराद सर ने आज तक कभी भी मुझे ऑर्डर्स देने के अलावा कोई बात नहीं की है, लेकिन लाइफ में आज पहली बार उन्होंने मुझे चाला डार्लिंग कहा है। मैं भी किससे बात कर रही हूं, छोड़ो। हेलो दरिया मोम, पॉइंट पे आता हूँ। पूछना था अगर आज आप बिजी ना हो तो मुझसे लंच पे मिल सकती हैं प्लीज? ठीक है। हाँ ठीक है। दोस्तों सुनो सुनो सुनो, मुराद सर मुझे अजमेर लेके जा रहे हैं। क्या कह रही हो? अरे वैसे नहीं, काम के लिए, ऑफिस के काम से। लेकिन तुम बिलीव नहीं करोगे आज वो कितने अच्छे मूड में थे। उन्होंने मेरे लिए लिफ्ट का दरवाजा खोला और मेरी तरफ देख के कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रहे थे। लगता है तुम उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी हो हयात। कोई किसी से प्यार करता है तो ऐसे ही होश खो देता है। होता है दोस्तों, होता है, होता है। और बाद में असली चेहरा बाहर आता है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मुझे मुराद बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं लगता है। असल तुम किसी को सिर्फ एक बार देखकर उसके बारे में इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? ये मेरे सिक्स सेंस का असर है बैक। वही तो प्रॉब्लम है, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तुम दोनों को इलाज की जरूरत है। ये सारी बातें ना तुम लोग बाद में भी कर सकते हो। इपेक, तुम्हारी कार के लिए किसी ने कांटेक्ट किया? हाँ, एक कॉल आया था। इपेक, इपेक। क्या हुआ, तुम लोग खुश नहीं हुए? मैं बस इसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना पॉजिटिव हो नहीं रहा। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम फिर से सोच सकती हो? इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कार मत बेचो ना एपेक, अपने घर वालों को अब ना कहने का टाइम आ गया है। ये सबसे आखिरी रास्ता है दोस्तों, सबसे आखिरी। अब इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? कहां से नहीं ला सकती, कुछ नहीं कर सकती। मुझे पैसे नहीं मिले तो वो बेवकूफ कार ही बेच देगी। वो अभी तो इंस्टॉलमेंट भी खत्म नहीं हुई है। कम ऑन, सोचो यार, सोचो सोचो। जरा यहाँ आओ। यस मैम। तुम मेरी एनर्जी का ऑरा ब्लॉक कर रही हो, जल्दी बताओ इतनी डेस्परेट होकर क्या सोच रही थी? मुझे सुनना है।
मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 2 लाख रुपए। क्या किया है तुमने? लोन भरना है, जुआ खेल दियो, नाइट क्लब में उड़ा है, प्राइवेट प्लेन के पार्ट्स खराब हो गए। कोई बात नहीं, उसके लिए देर हो गई है, सिक्का उछल चुका है। बताओ। पर्सनल प्रॉब्लम है बस। बकवास रीजन। मेरी फ्रेंड को चाहिए एक्चुअली। किस तरह की फ्रेंड? मेरी क्लोज फ्रेंड है। क्लोज फ्रेंड नहीं, एक्चुअली मेरी बहन जैसी है। वो ऐसी है ना कि वो किसी भी हाल में मेरा साथ देगी। मुझे मुराद से बात करने दो, तुम्हारी सैलरी में से पैसे कट होते रहेंगे। आप ऐसा कर सकती हैं? लेकिन मत बोलिए, मुराद सर परेशान हो जाएंगे। वो तुम्हारा बॉस है। बॉस क्या करते हैं? वो पे करते हैं हमें। तुम मुराद सर से नहीं तो निजात सर से ले सकती हो। लेकिन एकदम चुप। आज के बाद तुम मेरी एनर्जी का ऑरा कभी भी ब्लॉक नहीं करोगी जियान। हेलो निजात सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी काम था। कैसी हो इपेक? मैं ठीक हूँ जख्मी इंसान। क्या हुआ है? इस कैफे का ओनर भी तुम्हारा आर्मी फ्रेंड है जिसने बताया मैं यहाँ हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। तो वो तुम्हारा कोई पड़ोसी फ्रेंड है? सुनो कैरम, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ, तुमसे अभी नहीं मिल सकती। नहीं इपेक, मैं नहीं जाऊँगा। कैरम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा ना किसी को मिलना है, हम दोनों फिर कभी कॉफी पी लेंगे, समझे तुम? हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम इतनी बिजी हो तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, समझी? कैरम क्या कर रहे हो? मैं अपनी कार बेच रही हूँ कैरम, यहाँ कस्टमर आने वाला है, बात को समझो, बचपना बंद करो। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे सामने बैठा है। वो कैसे? तुमने सोशल मीडिया पे डाला था ना कि तुम अपनी कार बेच रही हो, मैं खरीद रहा हूँ। खैरम यार, तुम मुझे हर वक्त फॉलो करते रहते हो, तुम तो किसी सीरियल किलर की तरह पीछा करने लगे हो। जो कहना है कह लो। इपेक, तुम्हारी कार तुम्हारी बेटी जैसी है, तो उसे बेच क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है? पैसों की जरूरत है? हाँ, कोई लोन चुकाना है? हेल्थ प्रॉब्लम है? क्या हुआ है तुम मुझे बता सकती हो? तुमसे मतलब? कुछ नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा इश्क है जो तुम्हें चोट लगे और मैं दर्द ना महसूस करूं। ये इश्क की बातें मत करो कैरम, हम दोनों का क्या नाता है? तुम कहोगे हम कपल हैं, प्यार करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। देखो इपेक, तुम ये पैसे ले लो और कार को मत बेचो, और मुझे प्लीज गलत मत समझना, हमारे बीच जो भी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा प्यार एक अलग बात है, समझी तुम? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझसे फिर कभी बात मत करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हें ये लेने पड़ेंगे। तुम मुझे अभी मिले हो और हक जताना शुरू कर दिया तुमने। बकवास बंद करो। कैरम, मैं ये पैसे तुमसे बिल्कुल नहीं ले सकती, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। इपेक, मैं नहीं ले सकती। चलो, अरे मेरे लिए कॉफी ऑर्डर करो। अब सुनो, ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाओ, मेरी मदद करनी थी ना तुम्हें, अब कुछ खिलाओगे नहीं? इपेक, कैरम मैं तुम्हें नाक पे ऐसे पंच मारूंगी ना, अभी पहले ही हालत देखो अपनी कैसी शक्ल हो गई है, बंदर लग रहे हो तुम। तो क्या हो गया? क्या मैंने कहा तुमसे मेरे चेहरे को देखती रहो? हाँ, ये वेटर कहाँ चला गया? एक्सक्यूज मी।
आइए मैम, आपका स्वागत है। शुक्रिया बेटा। आइए मैं आपको अंदर तक ले चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं बस कंपनी देखने आई थी। ओके। आप बेस्ट हैं, आप ग्रेट हैं, आप जैसा कोई नहीं है मैडम। मैं जानती हूँ मेरी जान, tell me something new। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी। बहुत आसान है। क्या लेकर आऊँ आपके लिए? चाय, कॉफी, हर्बल टी या फिर सोडा वाटर विद लेमन? दीदी, हम जैसी डफर लड़की के साथ काम करते करते मैं अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल खो चुकी हूँ। मुझे न्यू फेस की जरूरत है, पॉजिटिव मॉडल की। लेकिन मैं तो किसी मॉडल को नहीं जानती हूँ। मुझे उन लोगों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। अजीम है मैडम। शुक्रिया बेटा। आप किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, मैं अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ। क्या देरिया मैम भी यहाँ आई है? नहीं, मैं अपनी होने वाली बहू ढूंढ रही हूँ। तुम अपना काम करो बेटी, काम करो। होने वाली बहू। उसे कहो कि एज पर जरा ज्यादा ध्यान दे, ले जाओ। And my coffee is cold. कोई बहुत बिजी है। ओह, अजीमे मैडम, आज आपके कदम यहाँ कैसे पड़ गए? काफी समय से आई नहीं थी तो सोचा देखो क्या क्या बदल गया है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, बिल्कुल सही जगह आई हैं। आप जो भी जानना चाहती हैं मुझसे पूछिए। I think ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही लंबा है। ये गेस्ट है तो फिर घूम जाओ। ठीक है, यहाँ आओ। अजीम मैडम गेस्ट नहीं है, निजात सर की माँ हैं और मुराद सर की दादी जान हैं। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो बेटी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। टुअल, वैसे ये गुड़िया कौन है? ये मुराद की असिस्टेंट है। निजात सर के दोस्त की बेटी, अभी जॉइन किया है इसने। ओह, बढ़िया है, बहुत खूब बहुत खूब। कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में तुम। तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? नहीं, वो टुवाल मैडम ने पहनाया है। हयात आज मेरी मॉडल बनी है। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं मैम, मैं सिंगल हूँ। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो बेटा। आप बैठिए ना, आप क्या लेना पसंद करेंगी? अच्छा बेटा, तुमने इतने प्यार से पूछा है तो मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ले आना। लेकिन कॉफी मैं मुराद के ऑफिस में पीना पसंद करूंगी, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी जरूर। ओह, कितनी प्यारी है ये, बहुत ही अच्छी। देखो, अगर तुमने मुझे यहाँ माफी के लिए बुलाया है तो तुम गलत हो। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने नहीं आया हूँ तेरे मॉम। वैसे मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। ऐसा तुम्हें लगता है?
मुद्दे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट में दुर्ग की जो पोजीशन है उससे आपको प्रॉब्लम है ना? हाँ है। मेरा मकसद चाहे जितना भी अच्छा हो आप उसे कभी नहीं मानेंगी। सही कहा। इसीलिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि अगर कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट फेल होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। काफी अच्छा प्लान है, क्योंकि तुम्हारे डैड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम ये हमारे दरमियान रखोगे तो बात बन सकती है, और शायद मैं तुम्हारे अच्छी इरादों पर यकीन भी कर लूं। मैं जानती हूँ आपको कॉफी में शुगर नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने कुछ स्वीट डाला आपके लिए। थोड़ी स्वीट चलेगी, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब? बैठो ना, खड़ी क्यों हो? मतलब तुम्हारी फैमिली में कोई जेनेटिक इलनेस तो नहीं है ना? थोड़ा सोचने दीजिए। हाँ, एक उम्र के बाद हाइपरटेंशन हो जाती है। वो बड़ी बात नहीं है। बढ़िया। और बच्चे वगैरह होते हैं ना? वो मैं कुछ समझी नहीं मैम। मतलब कोई हेरिडिटरी प्रेगनेंसी आसान है, या फिर कोई अबॉर्शन हिस्ट्री है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की हिस्ट्री है? नहीं नहीं, सबकी नॉर्मल है, बल्कि काफी ट्विंस है फैमिली में। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बुआ की बेटी अभी प्रेग्नेंट है और वो जन्म देने वाली है, वो भी 3 बच्चों को। बहुत बढ़िया है। आप ठीक तो है ना? मैंने कितने दिनों से इतना अच्छा महसूस नहीं किया। और बताओ, तुम्हें घर के सारे कामकाज, खाना बनाना तो आता होगा ना? आने से पहले फोन कर देती तो मैं आपकी अच्छी खातिरदारी करता दादी जान। पर बेटा, मुझे जो चाहिए था मिल गया। आप इतना क्यों हंस रही हैं? मेरे सर पर बेवकूफ लिखा है क्या? तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा और तुम्हारा बेटा होगा, ये लिखा है। अगर दोरुख ने आपसे कुछ कहा है ना तो उसकी बातें सीरियसली मत लीजिए प्लीज। दोरुख ने कुछ नहीं कहा है, मैं ही तुम्हारी बात कर रही हूँ यहाँ पर। क्या मतलब है आपका? मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब बातें करना पसंद नहीं है। आखिरी बार कह रही हूँ, जिंदगी में कोई अकेला नहीं रह सकता बेटा। मैं अकेला नहीं हूँ दादी जान, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तो मेरी बात मत काटो, उन लड़कियों के बारे में मत सोचो जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है बेटा। सच्चा प्यार एक दिन आपको जरूर ढूंढ ही लेता है। बस क्या तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा भी घर पर बेसब्री से इंतजार करे, तुम्हारी सारी तकलीफें तुम उसे बता सको और वो सुने, उसे तुम्हारी फिक्र हो और तुम्हें उसकी, जो तुम्हें प्यार से गले लगाकर तुम्हारे साथ होने का एहसास दिलाए। ऐसी शादियां आपके जमाने में होती थी हजीमे सुल्तान, अब ऐसा नहीं होता। दिल का दरवाजा बंद रखोगी तो किस्मत को वापस लौट जाना है। एक मौका तो दो, फिर तुम तय करो। किसी की गलती की सजा तुम्हें जिंदगी भर खुद को देने की जरूरत नहीं है। एक चांस दो खुद को, एक चांस। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में पहले से ही कोई है। ये जिंदगी है बेटा, यहाँ रोज नई सुबह होती है। होने वाली है,
मेरे घर की सारी चीजें खा चुकी है। मुझे डर है कहीं मुझे भी ना खा जाए। सारा राशन खत्म हो चुका है, मेरा फ्रिज खाली पड़ा है। उसकी नजर मेरी टांगों पर भी जा सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यार दीदैम तो कभी कुछ खाती नहीं थी, फिर आज राक्षस कैसे बनी हुई है? इंटरेस्टिंग। सिर्फ खा ही नहीं रही है, बकवास भी किए जा रही है। उससे यहाँ से जाने के लिए कहो तो जाती भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। ये सारी हरकतें वो डिप्रेशन की वजह से कर रही है, देखना बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तुआ कहाँ है? तुआर डोरुक, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे कुछ खाते हैं। आता हूँ। मैं यहाँ से कूद जाती हूँ। मैं सच में कूद जाऊंगी, क्यों करूँ? हेलो, बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए भी चाय बनाओ। अंदर से अपना कप ले आओ। वैसे आज की मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? हाँ, दो लोगों से मिली, कल तक फाइनल हो जाएगा। जल्द ही मेरी बेटी चली जाएगी। हाँ, इमोशनल होने से क्या होने वाला है, जल्दी से बेच डालो और किस्सा खत्म करो। किस्मत भी देखो, मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं कैसे कैसे लोग तुम्हारी कार को टच करेंगे, पर गलती तुम्हारी है, तुम ही इतना अटैच हो गई थी अपनी कार से। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन क्या कर सकते हैं ना, जो होना है वो तो होता ही है। एक कार ही तो है और क्या। हाँ, पर अब तुम दूसरी नहीं खरीद सकोगी। बस बहुत हुआ। हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर तुम दोनों ने अपनी अच्छाई कहाँ बेच दी है, कितनी बेरहम हो। असल में तो तुम्हें मुझे दिलासा देना चाहिए। मैं अपना दुख जाहिर करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम कैसी दोस्त हो, कोई ऐसा करता है? तो हमें क्या करना चाहिए पैक, तुम ही बता दो। ऐसा तो मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे। ये तुम दोनों ने क्या किया है? क्या तुम दोनों ने बैंक वैंक लूटा है या मुझे रुलाने की कसम खाई है तुमने? सिर्फ कहने के लिए बहन नहीं माना है तुम्हें। हम तुम्हारे आंसू नहीं देख सकते। अब इमोशनल मत हो, मत रो, ठीक है? एक मिनट रुको। अब जल्दी से बताओ इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ मुझे एडवांस मिला, कुछ असल ने जोड़े। बस धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। तुम जैसे दोस्तों के लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। ये क्या बात हुई? तुम तो हमेशा मेरे बारे में सोचती हो ना, इसके बारे में भी, तो हमें क्यों हक नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का? ये गलत बात है पैक, गलत है। वापस करो। मैं ले चुकी हूँ, अब वापस नहीं दे सकती। तुम्हें ऐसे कैसे इतने सारे पैसे दिए? तुमने अभी काम शुरू किया है, तुम्हारा नाम भी फेक है, और तुमने इतनी बड़ी रिस्क ली हयात। हाँ, तुमने क्यों मेरे आलसी और गैर जिम्मेदार भाई के लिए इतना कर्जा लिया? मैंने तुम्हारे भाई के लिए पैसे नहीं लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए लिए। तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं हो पैक, तुम मेरे लिए मेरी सगी बहन जैसी। चलो यहाँ आओ। मेरे प्रॉब्लम्स मेरे पेट पर इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे खाऊंगी तो फूलकर भैंस हो जाऊंगी। इन सारी चीजों के जिम्मेदार तुम खुद ही हो दीदी। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। अब बस भी करो यार, फोटो की बात तो मैं समझ भी लूं, लेकिन हयात के पीछे उस लपंगे को भेजना, तुमने तो हद ही पार कर दी थी। क्या तुम अपने भाई से मेरे लिए बात नहीं कर सकते? वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, प्लीज प्लीज यार। मुझे माफ करना दीदैम, पर इस बार मैं तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। हाँ हाँ, फरमाइए मुराद सर।
ओ, कल ही जाना है क्या? देखो भाई, मैं बहाना नहीं बना रहा, पर मैं नहीं आ सकूंगा। डैरिया सुल्तान मेरे सिर पर बैठी है कि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, उन्हें टाइम नहीं देता। आप एक काम करें ना, हयात को साथ ले जाए, वहां मजे करिएगा। तीन हजार, 3,200, 3,300, 8,000, 8,100, 9,000, 2,150, 2,200। ऐसा लग रहा है दोस्तों हम बहुत अमीर बन गए हैं। असलो, गिनती खत्म हो जाने तक तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो क्या? अब शुरू से शुरू करना होगा। I'm sorry, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। अब फिर से गिनना पड़ेगा, ज्यादा पैसे होना भी बड़ी मुसीबत है। ठीक है चलो फिर से गिनते हैं। मुराद सर का फोन है। हयात, इसमें मैं क्या करूं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी लाइफ का। हेलो हयात, तुम रेडी हो गई? किस लिए? अजमेर जाना था ना, आई होप तुम्हारा लगेज रेडी है। ओह, हाँ हो गया है। ठीक है, कल आते समय अपना लगेज भी ले आना, हम साथ ही निकलेंगे। ठीक है, वो घर जाके लगेज लाने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें सर, मैं ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन कल हमारे साथ दोरुक नहीं आ पाएगा, तो सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। ओके, यानी हम दोनों वहाँ अकेले जा रहे हैं? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय। ऐसे मत देखो मुझे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। चलो गिनना शुरू करो। हेलो मिस दिदेम, कैसी हैं? ये चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि दरवाजा अभी बंद हुआ है, चलने लगेगी। अब दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। चाला दरवाजा खोलो प्लीज, कुछ करो। अचानक क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, दरवाजा नहीं खुलता है कभी। प्लीज कुछ करो चाला, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगी। मेरे साथ यहाँ ऐसा पहले भी हो चुका है। सच में? अपनी बीमारी लेकर कहीं और चले जाना, हद हो गई। दिदेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कॉल आया था, कह रहे थे कोई पेपर्स पे साइन करनी है। टुअल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हर किसी को पता है तुम्हारी ये हरकतें। अब तुम तो मजाक मत उड़ाओ, मैंने अभी मुराद को देखा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो और वो नाटी चुड़ैल एक साथ हॉलीडे मनाने जा रहे हैं। किस बारे में बात कर रही हो तुम? मैंने मुराद और दुरुक की बात सुनी थी, वो बाहर जा रहे हैं।
कुछ पता चला कहाँ जा रहे हैं वो लोग? टुवाल। ओके ओके, मैं चुप हो जाऊंगी। बोरा बोरा और वो सुंदर आइलैंड दोनों ही अच्छी जगह हैं। अगर इन्हें रोका नहीं तो मेरा नाम दिदेम नहीं। Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununla. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi, la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.